2 क्वेश्चन एक्चुअली, फर्स्ट वाला तो थ्योरी था, 4 और 5 आप लोग को होमवर्क में करने बोला था। किसने किसने ट्राई आउट किया 4 और 5 ऑन एमएस वर्ड? ठीक है, ग्रेट। जिन लोग ने नहीं किया है उन लोग या तो अभी व्हेन वी विल डिस्कस उसके साथ साथ यू ऑल कैन ट्राई इट आउट अ लिटिल, नहीं तो आज आप लोग सुन लो एंड आफ्टर द क्लास डेफिनेटली ट्राई इट आउट, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू गिव 2 पेपर्स का सारा सम्स, अंटिल एंड अनलेस यू सॉल्व इट ऑन एमएस वर्ड, यू ऑल वोंट रियलाइज कि क्या वैरायटी ऑफ टाइपिंग आ सकता है एंड कितना टाइम लगता है उसको करने में। ओके तो जिन लोग ने किया है 4 और 5 एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट योर आंसर्स सो दैट वी कैन डिस्कस। तो नंबर 4 पढ़ते हैं, एन इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज 20 ईयर जॉइंट लाइफ टर्म इंश्योरेंसेस। चलो जॉइंट लाइफ है तो आई थिंक थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा ये। द सम अश्योर्ड ऑफ $150,000 इज पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द फर्स्ट डेथ इफ इट अकर्स विद इन द पॉलिसी टर्म। द प्रीमियम इज पेएबल मंथली इन एडवांस थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी और अंटिल द फर्स्ट डेथ इफ अर्लियर। कैलकुलेट द मंथली प्रीमियम for a policy issued to a male life aged 55 exact and a female life aged 53 exact. Basis दे दिया है mortality का, interest rate 4% and expenses ignore. Assume that lives are independent with respect to mortality. तो ये जो line लिखा है ना, make sure कि ये line को आप लोग अपने answer में भी लिखो। जब whichever point you use this, make sure bracket में you write कि given that lives are independent with respect to mortality, ठीक है? ये सब assumptions एंड ये सब छोटा छोटा चीज जो होते हैं ये सबको ब्रैकेट्स में हमेशा स्टेप मार्क्स के लिए गो ऑन राइटिंग। इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये रहा। लेट पी डिनोट मंथली प्रीमियम। वन मोर थिंग, कभी भी कोई भी वेरिएबल यूज करो, एनी वेरिएबल एट ऑल, इवन इफ यू आर यूजिंग एक्स वाई जेड, कुछ भी यूज करो, ऑलवेज स्पेसिफाई कि वो वेरिएबल क्या डिनोट करता है एंड ओनली देन यूज इट। हो सकता है हम लोग बहुत बार करते हैं कि अगर कोई भी मिसिंग वेरिएबल है वी जस्ट अज्यूम इट टू बी एक्स एंड हम लोग सीधा इक्वेशन बना देते हैं। डोंट डू दैट, पहले राइट कि वो एक्स क्या है एंड देन फॉर्म द इक्वेशन। ओके पी ए ड्यू 12 55 53 20 ठीक है, ये 20 को क्रोकोडाइल साइंस में लिखा है, वेरी गुड, इज इक्वल टू 15,000 वर्किंग में अभी नहीं देख रही हूँ, एक बार वर्किंग आप लोग देखना। GLTA 55 53 20 ठीक है, जॉइंट लाइफ नमस्कार। पी ए ड्यू 55 देखो वेरी, जैसे आपने लिखा नहीं था मंथली प्रीमियम पी ले रहे हो, आप ईयरली प्रीमियम को पी ले रहे हो ना? यस मैम। हाँ तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखो इन लोग मंथली प्रीमियम को पी लिए एंड आप ईयरली प्रीमियम को ले रहे हो, तो यू नो ये मिसमैच को अवॉइड करने के लिए, इवन तो पता है पी इज फॉर प्रीमियम बट वो प्रीमियम एनुअली है, मंथली है, एटसेट्रा के लिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू स्पेसिफाई। ओके ओके मैम, यस मैम। minus 11/24 1 minus v to the power 20 tp 55 ठीक है। देख के तो ठीक ही लग रहा है। अगेन वही है कि इतना सारा डेसिमल प्लेसेस ना लिखना इज नॉट नेसेसरी। आप अभी एक दो सम्स करो इसलिए आप रियलाइज नहीं करो, लेकिन इफ यू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इन ऑल द सम्स तो हो सकता है कि अंटल स्पीड इज वेरी नाइस, हो सकता है कि यू फेस सम इश्यूज। तो वाइल राइटिंग you all can stick to 4 decimal places. I would suggest 4 decimal places is good enough. हालांकि calculator में always use जितना भी हो पाए, and of course calculator में you have the option of storing values etc. तो वहाँ पे use जितना भी decimal places है, but in your answer script you all can write up to 4 decimal places. It's fine. And specially जो final answer है, final answer तो आपको सिर्फ 2 decimal places तक ही रखना है, because it is an amount. आप डॉलर्स में लिख रहे हो तो डॉलर्स कभी भी मोर देन 2 decimal, कोई भी मॉनेटरी अमाउंट, डॉलर्स हो गया, पाउंड्स हो गया, रुपीस हो गया, दे विल नेवर एक्सीड 2 decimal places, है ना। आप कभी भी अगर स्कूल में भी सम्स करते थे रुपीस में तो ऑलवेज जो पैसे वाला पोर्शन होता था इट्स ऑलवेज ओनली 2 units, 2 decimal places, राइट। तो फाइनल आंसर फॉर श्योर ओनली 2 decimal places, ओके, दैट इज फॉर अमाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट रेट है देन 3-4 decimal places भी ले सकते हो, बट हमेशा बेटर रहता है जो फाइनल आंसर है, इफ इट इज इंटरेस्ट रेट्स और कोई भी टाइप का परसेंटेज हो, कोई मॉनेटरी अमाउंट हो, देन 2 decimal places, इफ इट इज सम प्रोबेबिलिटी लेट्स से तो 4 decimal places। 4 decimal places से ज्यादा का फाइनल आंसर लिखना ही नहीं है हम लोग को, ओके। बाकी फाइन, वेरी गुड। रेफरेंसिंग दिया है, रेफरेंसिंग ठीक है, आप ऐसे दे सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारा वैल्यूज निकाला हुआ है। रेस्ट इज फाइन, गुड। दिव्यांश का देखते हैं। दिव्यांश, आप इक्वेशन एडिटर यूज कियो, ये बॉक्सेस क्यों आ रहे हैं? ये मैंने इज इक्वल टू फिर राइट एरो डाला था, लाइक राइट क्रोकोडाइल, अच्छा इंप्लाइज डाला था, हां इंप्लाइज डाला, ओके। दिव्यांश, आपके साथ भी सेम थिंग, आप स्पेसिफाई नहीं कियो कि आप पी को क्या ले रहे हो। सबसे पहला लाइन वही है, बिकॉज उसी पे सम डिपेंड करता है। आप जैसे मंथली प्रीमियम पी लियो, समझ में आ रहा है सम देख के, तो यू हैव टू राइट कि मंथली प्रीमियम यू आर टेकिंग एज पी, ओके। ओके मैम, 12p एडीओ इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप जॉइंट लाइफ प्रोबेबिलिटीज लिखो ना तो ये वाला पोर्शन को यू कैन पुट इनटू ब्रैकेट्स, कैन, नॉट नेसेसरीली, बट इट्स अ बेटर एंड मोर एक्सप्लेनेटरी वे ऑफ राइटिंग इट। 15,000 एंड अगर इम्प्लाइज बार बार नहीं देना है किसी को, फॉर एग्जाम्पल इस सम में अगर इम्प्लाइज देने में, हम श्योर आपको इंसर्ट टैब में बार बार जाना हो रहेगा ना, तो यू ऑल कैन ऑलवेज यूज और, ओ आर, कॉमा। हम लोग स्कूल में भी यही सीखे थे कि इम्प्लाइज ईदर यू गिव और यू राइट ओ आर, ठीक है। ओ आर एंड इम्प्लाइज आर द सेम थिंग। तो इफ यू वांट टू सेव दैट टाइम कि बार बार इंसर्ट टैब में नहीं जाके हम लोग को करना है सिंबल, सो यू कैन यूज और। मैंने आपका आंसर नहीं मैच किया है, शायद किया है, मैंने शायद मिस्टेक कर दिया, हाँ आंसर नहीं मैच किया है, ठीक है। वो आप अपना वर्किंग एंड ऑल देख लेना, बट टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज फाइन, टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लुक्स कंप्लीटली फाइन। और किसी का क्वेश्चन 4 है? सबने 5 ही भेजा है। ठीक है, तो और कोई 4 नहीं किया है? ठीक है, तो जिन लोग ने किया है उन लोग का एकदम फाइन है। किसी को और कोई डाउट है क्वेश्चन 4 में? भले जिन लोग ने पूरा नहीं किया, एटलीस्ट यू ऑल वेंट थ्रू और अभी आई एक्सप्लेन। तो कोई भी और डाउट है क्वेश्चन 4 में? मैम हाँ मैम, आई वाजंट श्योर अबाउट द जॉइंट लाइफ थिंग, तो हम खाली मतलब JLTA लिख दिया, सो दैट इज ओके ना? हाँ JLTA ना, तो ये जॉइंट लाइफ क्या है? जॉइंट लाइफ टर्म एश्योरेंस। हाँ मैम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दे, मतलब वो जॉइंट लाइफ में कर्व होता है ना, तो इसीलिए हम JL लिख दिया। JL भी लिख सकते हो आप, JLTA इज आल्सो फाइन। अदरवाइज जब आप TA करके व्हेन यू आर गिविंग 2 लाइफ्स का वो ना, तो ऑटोमेटिकली इट्स अज्यूम कि वो जॉइंट लाइफ ही है। एक बार हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं अगर उन लोग ने जॉइंट लाइफ का कुछ और दिया है तो, बट JLTA इज फाइन। मैम ये नोटेशंस का जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पे शेयर्ड है? ये नोटेशन का डॉक्यूमेंट्स एक तो ड्राइव लिंक बनाया हुआ है जिसमें मैथमेटिकल टाइपिंग का तीनों डॉक्यूमेंट्स है, जो 3 जनरल क्लासेस वाले डॉक्यूमेंट्स थे तीनों हैं। तो आज आई विल गेट इट सेंट ऑन द CM1 ग्रुप, हो सकता है पहले भेजा हुआ हो, अगर नहीं भी है तो आई विल टेल देम टू सेंड इट टुडे। ओके मैम। कौन सा कर्व इनमें से तो कोई नहीं है, यही वाला है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। या तो यू कैन राइट JLTA या फिर यू कैन जस्ट राइट TA ऑल्सो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हम लोग एनविटी भी लिखते हैं तो आप देख रहे हो एनविटी में भी वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ना कि जॉइंट लाइफ एनविटी है। हाँ, आई थॉट कि अब जैसे ये इस क्वेश्चन में वी हैड द जॉइंट लाइफ स्टेटस वाला थिंग, बट जिसमें लास्ट सर्वाइवर होगा तो फिर उसमें कैसे करेंगे, इसीलिए हमको लगा कि ठीक है JLTA लिख देता है। लिख सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन राइटिंग JLTA, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे पॉइंट इज कि आप जो भी कर रहे हो इट शुड बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड टू द एग्जामिनर। तो JLTA देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू वर ट्राइंग टू राइट जॉइंट लाइफ टर्म एश्योरेंस। ओके तो वो कोई इशू नहीं है, JLTA इज आल्सो कंप्लीटली फाइन। नहीं तो आप सिर्फ TA करके भी कर सकते हो। ओके एंड मैम लास्ट सर्वाइवर में कैसे करेंगे, मतलब लास्ट सर्वाइवर डिनोट फिर एक बार मेरे को लास्ट सर्वाइवर का वो दिखाओ, हाउ डज इट लुक? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लास्ट सर्वाइवर में बेसिकली सपोज अगर A है एंड देन 55-53 है, तो 55-53 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होता है थ्योरी में, तो वी डू दिस। एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप इक्वेशन एडिटर में जाके बार दे सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन। बट आई डोंट थिंक कि ये सब में ना द इंस्टीट्यूट ऑल्सो नोज कि ऑल दीज आर वेरी सम ग्रे एरियाज इन टाइपिंग, तो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं कि इसको कैसे टाइप करना है। तो यू कैन गिव अ बार और यू कैन राइट इन ब्रैकेट्स की फर्स्ट लाइफ लास्ट सर्वाइवर या सेकंड लाइफ लास्ट सर्वाइवर ऐसे करके, क्योंकि इवन दे हैवंट स्पेसिफाइड एग्जैक्टली कि कौन सा वाला है कैसे करना है। तो ये सब जैसे एक तो मेरे पास एक और डाउट भी आया था रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एनविटी एंड ऑल, तो वो सब है, आप उसको कोई भी वे में जस्ट कम्युनिकेटेड। यू डू वन थिंग, आप मेरे को एक बार सेंड करना जॉइंट लाइफ वाला लास्ट सर्वाइवर वाला, and then I will send you all how to type it out. Okay, okay ma'am, after the class I will send it. ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन 4 में किसी को? मैम मेरे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे बुकलेट 8 में इतना लंबा लंबा समझे, मतलब 1.5-2 पेज का, तो वो थ्योरी में बन जाते हैं, तो एग्जाम में कैसे टाइप करेंगे इतना लंबा लंबा? चिंता करने का कोई बात ही नहीं है। पहला बात, थ्योरी में जो 1.5-2 पेज का सम है वो अगर एग्जाम में आता तो इट वुड कम फॉर लेट्स से 10 मार्क्स, तो एग्जाम में उसका मार्क्स बढ़ के ही आएगा। एंड ये सब सम्स को उन लोग क्या करेंगे, दे कैन ब्रेक इट अप इनटू पार्ट्स। एंड जैसे जैसे ये था, इसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन वाला देखे थे, तो इंटीग्रेशन वाले में इन लोग जैसे स्टेट द वैल्यूज कर दिए, दे गॉट यू टू द लास्ट इक्वेशन एंड देन बस उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो जो सॉल्विंग पोर्शन है यू कैन डू इट इन योर कॉपी, राइट? तो उसका चिंता मत करो, आप बस जो सम्स है उनको ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन MS वर्ड। ये भी रेस्ट एश्योर्ड कि पूरा full-fledged sum is not necessary that it comes in the exam. They will either break it into parts or they will increase the marks accordingly. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कोई भी पेपर में कि इन लोग ऐसा सम दिए है which it doesn't make sense to write it on MS Word. ठीक है, तो उसका चिंता एकदम भी मत करो. एक बार when you do it, obviously it will take a lot of time क्योंकि जैसा आपने बोला कि they are very long sums. तो you try solving it on MS Word just for practice, ताकि आपको बस पता रहे कि कैसे टाइप करना है उसको. और स्पीड तो इन जनरल आपको इंक्रीज रखना ही होगा, सो दैट इज एनी वे नॉट अ पॉइंट टू कंसिडर. तो अगर सम आएगा भी एग्जाम में तो दे विल प्रोवाइड प्रॉपर मार्क्स फॉर इट. हाँ श्री मैम, एक्चुअली वो आप बोल रहे थे कि अगर पे मॉनेटरी चीज हो तो 2 डेसिमल रखते हैं, लेकिन वो बीच का सॉल्विंग पार्ट को तो उसमें 4 to 5 डेसिमल्स रखते हैं. हाँ, सॉल्विंग के लिए 4 to 5 बिकॉज आप अगर सॉल्विंग में 4 to 5 नहीं रखोगे तो आपका कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ बार बार आपका नंबर्स चेंज होते रहेगा. तो आप सोचो स्टार्टिंग से इफ यू स्टार्ट राउंडिंग तो एंड तक आते आते आपका 120 कैन बिकम 123 ऑल्सो और 117 ऑल्सो. तो इसीलिए वर्किंग हमेशा वी डू 5-6 डेसिमल प्लेसेस लेके जितना भी पॉसिबल हो, स्पेशली ये सब सम्स में जहाँ पे क्योंकि टेबल बुक में ऑलरेडी 6-7 डेसिमल प्लेसेस रहते हैं बहुत बार. तो वर्किंग के लिए हमेशा उतना ही डेसिमल प्लेसेस यूज करेंगे, बट जो फाइनल आंसर है only to get that accuracy we are using so many decimal places, लेकिन final answer हमेशा आप कम कर दोगे decimal places. मैम एंड ऑरिजिनल जैसे ये तो हम लोग का ओपन बुक एग्जाम हुआ तो जो मटेरियल्स एंड क्लासवर्क कॉपी भी तो साथ लेकर ही बैठेंगे ना. हाँ, it is an open book exam for IFOA. IAI students के लिए you are not allowed to keep any material with you. Only table book is allowed and plain blank sheets of paper for doing the working. और कुछ अलाउड नहीं है. बट IFOA के लिए यू ऑल आर अलाउड टू कीप योर स्टडी मटेरियल, टू कीप योर क्लास नोट्स एटसेट्रा, वो सब अलाउड है IFOA में. मैम और ये पूछ रहा था कि जैसे अगर हम लोग एक्सेल में सारा जैसे टेबल बुक का जो वैल्यूज अगर वो डाल दें तो वहाँ से सॉल्व करना इजी हो जाता है, तो इज दैट अलाउड? कैसे डालोगे एक्सेल में? बैठ के टाइप करोगे? नहीं, मतलब अगर कहीं से वो मिल जाए तो नहीं डाल सकते. देखो ऐसे कोई देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, बिकॉज मतलब आपको एंड ऑफ द डे वो टेबल बुक का वैल्यू निकालने से मतलब है. अब आप वो एक्सेल से निकालो, बुक से निकालो, लेकिन आई डोंट थिंक कोई ऐसा रेडिली अवेलेबल मटेरियल है हम लोग के पास जो एक्सेल पे हम लोग को टेबल बुक का वैल्यूज दे. हो सकता है इन योर पेपर बी असाइनमेंट्स आई थिंक सम लाइफ टेबल्स आर गिवन, है ना. मैं क्योंकि कुछ में मेरे को याद है कि दे यूज टू गिव फर्स्ट शीट में दे यूज टू गिव द लाइफ टेबल और उसको यूज करके हम लोग सम्स करते थे. तो वो सब अगर है तो ऑल दैट यू ऑल कैन कंपाइल. इवन आई विल चेक वंस, अगर वो हो सकता है तो आई विल चेक विथ सर एंड शिवांगी दी एक बार एंड देन आई विल लेट यू ऑल नो. बट ऐसे कोई एथिकल इशू नहीं है इसमें इफ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम एक्सेल, बिकॉज ठीक है इट डज मेक इट ईजी टू सर्च फॉर द वैल्यूज, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगेन IAI वाले प्लीज ये सब मत ट्राई करना बिकॉज आप लोग का स्क्रीन भी मॉनिटर होता है एंड आप लोग को अलाउड नहीं है ये सब चीज, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस से कुछ भी लेना. तो आप लोग स्टिक टू टेबल बुक ओनली. बोलो और कुछ मैम? मैम मेरे कीबोर्ड में इमोजीज आ रहे हैं बार-बार टाइपिंग करते कीबोर्ड में इमोजीज आ रहे हैं. वो कॉलन और ब्रैकेट प्रेस करने से इमोजीज आ रहे हैं, स्माइली आ रहे हैं. स्पेस देके हमेशा करना, नहीं तो अगर आ जाए मतलब अगर कोई ऐसा समय जिसमें यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव अ स्पेस तो कभी भी आप ये करने से ना ऐसे ही आ रहा है. हाँ, सैड फेस आ रहा है. हाँ, तो जस्ट जैसे ही आपको दिख जाएगा सैड फेस आ रहा है तुरंत प्रेस कंट्रोल Z. बट मैम इसमें तो बाद में वो स्पीड भी कम हो जाएगी, बार-बार हमें स्क्रीन पर भी देखना पड़ेगा. नहीं होगा कुछ, कितनी बार तो यू विल यूज इट हार्डली 3 times in your entire paper and इसीलिए लास्ट क्लास ऑल्सो हैड सेड कि बेटर है कि ऑलवेज गिव अ स्पेस, क्योंकि उससे फिर आपको दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. तो इसका 2 सॉल्यूशंस है, या तो बार बार जैसे ही होगा वैसे ही आप कंट्रोल जेड करो, एंड ये कंट्रोल जेड वाला चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, और भी कुछ कुछ चीज चेंज होते रहते हैं. जैसे अगर आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, ए जैसे ही आप सी टाइप करोगे वो कॉपीराइट वाला सी बन जाएगा, है ना. तो इसीलिए ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप लोग प्रैक्टिस करते टाइम ओनली यू विल आइडेंटिफाई. सो यू ऑल विल नो कि यू हैव टू लुक आउट फॉर ऑल दिस. नहीं तो जैसे सी वाला में देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, आपको कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा. देयर इज नो वे टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग. ये जो सैड फेस वाला है इसका ऑप्शन इज कि आप स्पेस दे के टाइप करना प्रैक्टिस करो. डे 1 से इफ यू प्रैक्टिस स्पेस दे के तो फिर बहुत कम हो जाते चांसेस कि आपका वो इमोजी में चेंज होगा. एंड मैम वो था ना प्लेगिज्म वाला, वो किस बेसिस पर आता है मोस्टली? प्लेजरिज्म वाला मेल कम्स अगर आप कुछ भी अपने पेपर में नंबर 1 अगर आप इंटरनेट से आंसर्स कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो क्योंकि कुछ कुछ थ्योरी आंसर्स हैं तो वो अगर आप इंटरनेट से देख रहे हो इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट इन योर बुक, क्योंकि बहुत बार दे गिव सम एनालिटिकल क्वेश्चंस थोड़ा व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इन द बुक, उसको यूज करके आपको कुछ करना है. CM1 में हालांकि आई डोंट थिंक ऐसा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मोर ऑफ CM2 CS2 में आता है दिस थिंग, बट ये उससे आ सकता है इफ यू आर यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक द नेट. क्योंकि इसीलिए वी से कि भूल जाओ दैट इंटरनेट एग्जिस्ट्स ड्यूरिंग दोस 3 hours. जस्ट फॉरगेट कि इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, गूगल खोलना ही नहीं है हम लोग को. सेकेंडली अगर आप मटेरियल से डायरेक्टली कुछ लिख रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेफरेंसिंग, इफ यू आर नॉट गिविंग रेफरेंसिंग they are not stopping you from looking at the material and answering. That is 100% allowed because it's an open book exam. But plagiarism is basically क्या कि आप किसी और का काम को अपना दिखा रहे हो, है ना. तो वो मेल तभी आएगा जब अगर आप बोल नहीं रहे हो, if you are not disclosing on your answer script that these words are not mine, they have been taken from the material. So to show this we give the referencing. एंड रेफरेंसिंग का क्लास होगा, फुल फ्लेजेड क्लास होगा एक अलग से, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन का रेफरेंसिंग बोला जाएगा फॉर ऑल द पेपर्स. हर पेपर में जो भी टाइप का रेफरेंसिंग हो सकता है, शिवांगी दी ओनली आई थिंक प्रॉब्ली विल टेक दैट क्लास इन सम डेज, शी विल टेक. तो प्लेजरिज्म सिर्फ उसी से आएगा और कोई प्लेजरिज्म एंड CM1 एंड ऑल में तो प्लेजरिज्म का चांसेस बहुत कम है. प्लेजरिज्म ज्यादा CB1 CB2 ये सब पेपर्स में आता है बिकॉज दे आर फुल थ्योरी पेपर्स. तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप कहीं कोई नोट से अगर ले रहे हो तो मे बी यू नो वो कहीं ऑनलाइन से कोई लाइन लिया हुआ हो, तो उस टाइप से मेल आता है. जैसे CB2 में देयर आर नो मटेरियल में ज्यादा लिखा हुआ नहीं रहते, दे सजेस्ट सम बुक्स या फिर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द नेट, यू आर स्टडिंग द पोर्शन फ्रॉम द नेट. तो ऑब्वियसली जब आप अपना नोट्स बना रहे हो सकता है कोई लाइन आप नेट से ले लियो, 3-4 लाइंस और अ पैराग्राफ, एंड उसको ही आप सेम डिट्टो टाइप कर रहे हो, तब जाके प्लेजरिज्म का मेल आ सकता है बिकॉज देन यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि उस टाइम यू हैड टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट, राइट. इसलिए वी ऑलवेज से दैट इवन इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, मेक श्योर डे 1 से यू मेक इट इन योर ओन वर्ड्स, एंड इफ व्हेन यू आर राइटिंग इट इन योर आंसर स्क्रिप्ट देन ऑल्सो ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स. थोड़ा सा वर्ड्स को यहाँ वहाँ करना ही होगा ताकि आप एकदम फ्री बैठ पाओ कि मेरे को प्लेजरिज्म का मेल नहीं आ सकता इस मामले में एटलीस्ट. हाँ शे मैम, आर यू अलाउड टू कीप आवर फोन्स विद अस? सॉरी मैम, हम लोग क्या अपना मोबाइल फोन साथ में रख सकते हैं क्या एग्जाम के टाइम पे? रख सकते हैं, मना नहीं है. IAI में अलाउड नहीं है. IFOA में तो यू विल गेट दी OTP ऑल्सो ऑन योर मोबाइल फोन टू लॉग इन. प्लीज अनम्यूट करो ना जिसका भी वॉइस एको हो रहा है. हाँ, तो IFOA में तो यू विल गेट दी OTP ऑल्सो टू लॉग इन टू द पोर्टल. तो फोन रख सकते हो, बट करना क्या है फोन का? अब हम लोग को फोन नहीं कर सकते क्योंकि खाली सबमिशन के टाइम के बाद ही यहाँ से कोई भी फोन उठाएगा. सबमिशन तक नो वन इज गोइंग टू पिक अप योर कॉल्स. आप नेट यूज नहीं कर सकते, आप किसी और के साथ. आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्राई एंड डिस्कस विद फ्रेंड्स. आई हैव heard, seen many things and मतलब बहुत ही छोटे छोटे things के लिए people get mails for collusion. मतलब they don't even realize that they are making such a big mistake. राइट? तो इसीलिए एक दूसरे से डिस्कस तो मत ही करना, क्योंकि आप लोग डिस्कस करें, आप लोग को लगेगा आप लोग का आंसर स्क्रिप्ट हो गया और फिर रिजल्ट के 15 डेज पहले जब मेल आएगा तब सारा निकल जाएगा। इससे बेटर है 5 मार्क्स अगर नहीं आते हैं कुछ भी लिख के आओ, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कुछ ना कुछ तो यू विल फाइंड आउट, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो सिलेबस से। बट डोंट डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स और अदर पीपल हु आर सिटिंग फॉर द एग्जाम। तो उसके अलावा फोन का काम क्या है, आप रखो पास में, इफ यू वांट इट फॉर मेंटल पीस कीप इट, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर पाओगे कोई भी चीज के लिए। नहीं मैम, आप बोले ना कि गूगल देख नहीं सकता, इसलिए हम सोचे कि अगर फोन से गूगल देखेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं, इसलिए क्लैरिफाई किया। प्रॉब्लम आप लैपटॉप से भी गूगल देखोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा जब आप गूगल से कुछ निकाल के अपने आंसर स्क्रिप्ट में डालोगे। दे आर नॉट ट्रैकिंग योर लैपटॉप, दे आर नॉट ट्रैकिंग योर लैपटॉप और एनी ऑफ योर डिवाइसेस, बट When you use it, they will get to know कि आप Google करके ये आंसर निकाले हो। इशू वहाँ पे आते हैं, कुछ ट्रैकिंग इशू नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइवेसी कंसर्न्स है, they cannot track your device। जैसे IAI अपना सॉफ्टवेयर करता है तो उसमें आप Google खोल ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पे प्राइवेसी नहीं आते, because they are not tracking it, they have just मतलब उन लोग बस कॉन्फ़िगर करती हैं आपके डिवाइस को ऐसे कि आप और कुछ खोल नहीं पाओ, ठीक है? तो इसीलिए फोन का कोई काम नहीं है। चलो, और कुछ किसी को? तो नंबर 5 देखते हैं। अ कंपनी इन्वेस्ट एक चीज मेरे को देखना है, मेरे को लग ही रहा था कौन है ये। दिव्यांश। दिव्यांश, प्रीमियम हमेशा मॉनेटरी अमाउंट में होता है, तो फाइनल आंसर में आपको भी डॉलर का साइन देना होगा, because your answer is in dollars, so you have to give the final unit throughout the sum. It doesn't matter आप क्या unit दे रहे हो नहीं दे रहे हो, but final answer में आपको दिखाना होगा कि it is $119, ठीक है? Okay. जैसे वैसे ही ने दिया था वैसे ही all of you have to give the unit, percent है तो percent, अगर कोई monetary है तो pounds या dollars, जो भी you have to give. A company invests $50,000 now and receives the following income over the next 12 years. During the first 4-year period, $4,000 per annum paid quarterly in arrears. During the second 4-year period, X dollars per annum paid half-yearly in arrears. And during the final 4-year period, $12,000 per annum paid continuously. There are no other payments under the investment. Calculate X assuming the company achieves a nominal rate of return of 9% per annum convertible monthly. ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइपिंग है, वैरायटी ऑफ टाइपिंग है। चलो देखते हैं। $50,000 = 4,000 A44 plus V⁴ into X A24 plus V⁴ 12,000 A bar continuous, ठीक है, 4 at I%। वाह, वेरी 11 मार्क्स का आंसर 4 स्टेप में हो गया आपका। इतना स्टेप्स मत स्किप करना, प्लीज मत स्किप करना इतना स्टेप्स। मैम बट इसमें और क्या, मतलब खाली इक्वेशन और मतलब वो इक्वेशन बना के फिर आई का वैल्यू, जैसे आई डिड इट इन ईयरली का वैसे इफेक्टिव रेट ईयरली, तो फिर आई निकाल के फिर और क्या करता समझ नहीं आया। इसमें भी बहुत टाइम लगा था एक्चुअली, स्टेप्स नहीं लगेगा बिकॉज स्टेप्स, क्योंकि आप स्टेप्स सारा कैलकुलेटर में कर लिए ना, तो यू डिडंट रियलाइज। टाइम आपको कैलकुलेटर में करने में लगा, लेकिन आपको और थोड़ा टाइम लेके उसको वर्ड में लिखना भी होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, एग्जामिनर्स रिपोर्ट में भी दे हैव शोन एटलीस्ट दिस इतना स्टेप्स, राइट? तो जैसे देखो यहाँ ये इक्वेशन ऑफ वैल्यू तो एकदम परफेक्टली फाइन है, इक्वेशन ऑफ वैल्यू और I12 ये आपने कहीं नहीं लिखा है कि सम में I12 9% दिया हुआ है, हालांकि यू हैव यूज्ड इट ओवर हियर and you have to mention again at I% आप लिखे हो, but you have to mention that I is, आप बोले you have taken it as the yearly effective rate ना, So you have to write where I is the yearly effective rate, या effective rate of interest per annum. उसके बाद you have directly gone to solving ना, ठीक है. तो ये हम लोग बाकी लोग का देखते हैं. मैम ये जो क्वेश्चन है ना मैम, एन्युटी का हम खुद से किया था, लेकिन जब कॉपी पेस्ट करने में मैम थोड़ा घपला हो गया, थोड़ा जो राइटिंग है वो ऊपर नीचे होगा, तो आई डोंट थिंक आपको समझ में आएगा मैम. अच्छा नहीं वो ठीक है, बट मेरे को कंसर्न सबसे पहले ये है कि हम लोग को पता है कि हमेशा हम लोग जब एन लिखते हैं, पीरियड वाला एन लिखते हैं, तो वी ऑलवेज पुट इट इन ग्रेटर देन लेस देन साइंस. यहाँ पे आप इसमें तो लिखे हो, ये वाला में तो है, इसका कहाँ है? A4 का, सॉरी मैम, A24 का, ठीक है. कोलोन भी नहीं है, इवन इफ यू पुट अ कोलोन तो ठीक है, फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, बट ये तो लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो यहाँ तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने से रुक सकते हैं. अगर आप कोलोन देते हैं तो दे कैन गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट. मैम आई वाज राइटिंग द आंसर्स, एक्चुअली आई वाज यूजिंग दैट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो एक सिंबल होता है ना मैम कि उसके ऊपर कर देने वाला, तो जो लास्ट टर्म उसमें तो हम कीबोर्ड नोटेशन टाइप करेंगे, जो पहला दो टर्म है उसमें हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट किया, तो कॉपी पेस्ट करने में वो साइड में हो गया एकदम, ठीक है. बट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी मत यूज करना इसमें, क्योंकि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जब आप यूज कर रहे हो तो आप 4 को सबस्क्रिप्ट में डाले होगे, बट आप वो बार एंड स्ट्रेट लाइन तो डाल नहीं पा रहे होगे विदाउट यूजिंग इक्वेशन लाइक दैट, वो सब नहीं होता. सो डोंट यूज दैट. अगर आपको सबस्क्रिप्ट में डालना है तो आप डालो, लेकिन सबस्क्रिप्ट में भी आपको क्रोकोडाइल साइंस देना होगा, ठीक है. बिकॉज बेसिकली वो क्रोकोडाइल साइंस क्या है? क्रोकोडाइल साइंस आर द ऑल्टरनेटिव फॉर दिस. ये जो गामा, उल्टा गामा वाला है, उसका अल्टरनेटिव है, ठीक है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एन को कहीं भी लिख रहे हो, वेदर इट्स एन एनविटीज, इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा, तो ऑलवेज यूज द क्रोकोडाइल साइंस. इनटू एक्स A24 इक्वेशन ऑफ वैल्यू में इंटरेस्ट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एक बार यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा. आप लिखे हो सिंस I12 इज इक्वल टू 9%, लेकिन आपको इक्वेशन ऑफ वैल्यू के एंड पे हमेशा लिखना होता है कि ये पूरा जो इक्वेशन है ये किस इंटरेस्ट रेट पे काम कर रहा है. तो जैसे यहाँ पे वैदे ने लिखा था @I%, आप वैसे ही @I12 इक्वल टू 9% भी लिख सकते हो. ओके एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है. फिर I4 दिखाओ, हाँ I2 दिखाना होगा पूरा, और डेल्टा दिखाना होगा. वेरी गुड. देखा वैसे ये जो स्टेप्स है इनका मार्क्स है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर यूजिंग I4 I2 एंड डेल्टा, राइट. तो यू हैव टू शो व्हाट वैल्यूज, हाउ यू आर गेटिंग द वैल्यूज, क्योंकि आप सोचो सम इज फॉर 11 मार्क्स, तो आपको कुछ तो दिखाना ही होगा ना टू गेट द स्टेप मार्क्स. ओके हाँ कुणाल मैम, तो स्टार्टिंग में लिख देते हैं ना अपन, गिवन I is equals to that, delta is equals to that, सब कुछ स्टार्टिंग में. हाँ लिख दो, फॉर्म आप कैसे भी कर सकते हो, बिकॉज आपको ये 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स है अभी के लिए, बाद में जाके यू आर कंबाइनिंग बोथ. तो दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन को कैसे भी लिखो, इट डजंट मैटर, ये सब आप बस सामान रेडी कर रहे हो फॉर सॉल्विंग द सम. तो आप पहले इफ यू वांट तो पहले यू कैन राइट I12 इक्वल टू, तो सारा इंटरेस्ट रेट का वर्किंग यू वांट टू शो पहले, एंड देन यू वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ वैल्यू ना. यस मैम, यही बोल रहे हो आप? हाँ कर सकते हो. तो मतलब यहाँ से सिंस I12 इज इक्वल टू 9% से लेके डेल्टा के कैलकुलेशन तक यू वांट टू शो इट बिफोर द इक्वेशन ऑफ वैल्यू. इवन दैट इज परफेक्टली फाइन, कर सकते हो. 10, 50,000, ठीक है. सारा वैल्यूज डाला, ⁻⁻4 प्लस ⁻. मैम एक्चुअली इसमें मेरा एंड में आंसर 7411.96 आ रहा था, वो कॉपी पेस्ट करने में मैम किसी और का भी आंसर आ गया. वो कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि वापस से यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वापस से डॉलर्स का साइन नहीं दिया हुआ है फाइनल आंसर में. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉलर्स का साइन दो, बाकी सब ठीक है. आंसर नहीं मैच करा वो सब ठीक है, ऑल दैट कैन बी वर्कड ऑन, वो तो आप लोग पढ़ रहे हो. ऑब्वियसली गलती एग्जाम पेपर में भी हो ही सकता है, एंड वो तो प्रैक्टिस के साथ ही सॉल्व होगा। बट टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रॉब्लम है बस कि डॉलर साइन नहीं है, बाकी सब एकदम फाइन है। ठीक है, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वैल्यू है 4000 A4 प्लस x e to the power 4 A24 प्लस 5000 e to the power 8 A4 at 9, ठीक है, 50,000 ये इनकम्प्लीट है सम। मैम एक बार मैं पूरा पेस्ट नहीं हुआ था, नीचे ऑर्डर है। अच्छा, देखो ऐसे सब ठीक है, ओनली थिंग इज कि आपको नहीं लग रहा है ये पूरा चीज कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया है? मतलब आपको देख के नहीं लग रहा है? अगर आपको कोई बोल दिया कि इसको आप चेक करो एग्जाम के बाद, मतलब एंड की तरफ में फॉर रिवाइजिंग योर पेपर, तो आपको खुद को देख के डर लगने लग जाएगा। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ ज्यादा ही साइंस ब्रैकेट बहुत ज्यादा है, ब्रैकेट साइंस मतलब एवरीथिंग इज वेरी टुगेदर, तो इसीलिए ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। बट आप देखिए, इट हैज टू बी ब्रोकन अप इनटू थोड़ा सा सिस्टमैटिक पार्ट्स। जैसे आप क्या किए हो, आप पूरा इक्वेशन ऑफ वैल्यू को ही एक्सपैंड करते गए हो, है ना, इंस्टेड। and this is something you all should practice for all sums, all papers, कि सब पार्ट्स, कोई भी अगर इक्वेशन है उसका सब पार्ट्स को उठा उठा के पहले सॉल्व करो एंड देन फाइनली वापस उसको इक्वेशन में डाल दो। दिस इज ऑलवेज अ मोर नीटर एंड अ मोर सिस्टमैटिक मैनर ऑफ सॉल्विंग सम्स, क्योंकि एग्जामिनर भी देखेगा तो एक बार के लिए एग्जामिनर विल ऑल्सो थिंक कि मेरे को ये क्या चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको बैठ के एक एक ब्रैकेट देखना होगा, एक एक नंबर देखना होगा सेपरेटली कि आप कहीं पे कुछ मिस तो नहीं किए हो। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सेपरेटली सॉल्व करो एंड देन लास्ट में जाके, जैसे आपने ये वाला लाइन लिखा है ना, तो ये जो 13,294 का वैल्यू है इसको अलग से ऑब्टेन करो, ये 2.29 वाले वैल्यू को अलग से ऑब्टेन करो, 19,686 को अलग से करो एंड देन अगेन पुट इट बैक इनटू द इक्वेशन। क्लियर? यस मैम। एंड अगेन सेम थिंग, एक्स मॉनिटरी है, अप्रॉक्स लिखा है, वेरी गुड, लेकिन डॉलर साइन भी देना पड़ेगा। ओके, नीट का देखते हैं। अचीव्स अ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 9% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली, I12 इज इक्वल टू 0.09, ठीक है, I4 I2 डेल्टा एक्स, ये v स्मॉल v होगा, सब जगह स्मॉल v होगा, कैपिटल v नहीं यूज कर सकते आप फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैपिटल v नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू यूज स्मॉल v ओनली। ठीक है नवनीत? यस। ए बार 4, ठीक है, नवनीत बाकी का सम कहाँ है? लास्ट आउट। वेरी गुड, डॉलर साइन दिया है, बाकी सब ठीक है, बस वी स्मॉल होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए हमेशा। ठीक है, आदेश का देखते हैं। आदेश, बार बार @ 8% मत लिखो, क्योंकि पूरा इक्वेशन जो है द एंटायर थिंग इज एट द सेम इंटरेस्ट रेट ना, तो बार बार डोंट मेक इट मोर क्लमजी बाय राइटिंग एट द रेट 8%। लास्ट में आप लिख सकते हो सीधा एट द रेट 8%। ओके मैम, एक चीज है जो आप लोग सब फेस करोगे हो सकता है कि आप लोग जब आई को लिखोगे ना बार बार तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल आई। मैंने 2-3 आंसर्स में देखा है, तो उसमें डोंट वरी, इवन दे अंडरस्टैंड कि होता है वो, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन एमएस वर्ड। अगर आप लोग को कहीं दिखे कि आपका आई कैपिटल हो रहा है तो उसको स्मॉल कर दो, चेंज कर दो स्मॉल में। बट अगर एग्जाम लिखते टाइम कुछ कुछ जगह छूट जाए तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे भी सेम थिंग, इट्स बेटर इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स एंड गेट द वैल्यूज। अगेन डॉलर्स में है तो जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, 4 में डेसिमल प्लेसेस मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी कि जब हमने हेडर और फुटर में वो लिखना है CM1A अप्रैल 2022, मैम वो कैसे लिखते हैं हेडर में? देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये वाला चीज इंसर्ट में जाएंगे, हेडर और फुटर का ऑप्शन है यहाँ पे, हेडर लो, ब्लैंक ब्लैंक हेडर चाहिए हम लोग को, एंड जस्ट राइट CM1A अप्रैल 2022। बस दैट्स ऑल, आप लोग को ARN तो लिखना नहीं है। एंड देन जस्ट आई थिंक सेम चीज फुटर में आ जाएगा, फुटर भी खुल गया आपका, फुटर में भी जाके सेम थिंग लिख दो CM1A अप्रैल 2022 हो गया। एंड देन जस्ट क्लोज द हेडर एंड फुटर। यहाँ से देखो आपका हेडर फुटर में आ गया। सिर्फ पहला पेज पे ही करेंगे ना हेडर फुटर दोनों? हेडर फुटर ऑटोमेटिकली सब पेज में आ जाते हैं, आपको इंसर्ट नहीं करना है। अभी जैसे आई विल शो यू ऑल, लेट मी इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। देखा जितना भी पेजेस यू विल insert in that document, हर पेज पे header footer आएगा। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं करना होगा। एक बार यू insert the header footer एकदम एग्जाम के beginning में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका फुल आंसर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। Got it ma'am, thank you। ठीक है, ये वाला ठीक है, कोमल का ऊपर है थोड़ा। 9.38 present value of outflow, present value of A4 to the power of 4, 12,000 at 9.38. सेम थिंग कोमल, बाकी सब एकदम परफेक्टली फाइन है, बस डॉलर साइन, रेस्ट इज एकदम फाइन। उन लोग स्क्रीन कैसे मॉनिटर करेंगे? ऋषभ, IAI वाले दे गिव यू अ लिंक टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को जब आप डाउनलोड करोगे, इट इज बेसिकली अ सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर जो बहुत इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ओपन दैट एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल डेस्कटॉप है इट गोज पीछे, एंड नाउ अ न्यू डेस्कटॉप sort of opens, and उसमें they can monitor, उसमें आपका कैमरा, माइक्रोफोन सब ऑन रहेगा। जस्ट लाइक अगर आप लोग एसेट दिए होगे, if you all are giving from IAI, तो आई एम श्योर आप लोग एसेट भी दिए होगे, तो उसमें भी जैसे कैमरा माइक्रोफोन सब मॉनिटर होता है। एंड आपका क्वेश्चन पेपर उसी पोर्टल पे आपको मिलेगा, उसी पोर्टल पे आपको यूज करना होगा। इवन टेक्स्ट एडिटर विच यू हैव टू यूज फॉर अदर पेपर्स लाइक CB1 CB2 के लिए टेक्स्ट एडिटर जो यूज करना होता है वो भी आपको उसी पोर्टल पे मिलता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। दे विल नॉट मॉनिटर इट एग्जैक्टली, व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टॉप अदर एप्स फ्रॉम वर्किंग। यू कैन नॉट, अगर आप लीव करोगे IAI के वो सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, या आपका पेपर मतलब वहीं पे एंड हो जाएगा बेसिकली। सो यू कैन नॉट लीव दैट ऐप, एंड फॉर यूजिंग एनीथिंग एल्स यू हैव टू लीव दैट ऐप। ठीक है, सो दैट इज हाउ दे डू इट। कनाल का दिखते हैं, अच्छा ये तो हो गया। हाउ टू डिनोट लास्ट सर्वाइवर, ये भी हो गया। ये नंबर 4 है श्री का। अच्छा सेम थिंग, कैपिटल वी नहीं यूज करना हम लोग को। ठीक है हाँ महिमा मैम, जैसे क्वेश्चन में ये लोग एक आईफो को सॉल्व के वो भी दिखाया, तो हम लोग को इतना तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना? किसको सॉल्व करके? इन लोग जैसे एक I4 सॉल्व किया है, एक I4 का वैल्यू निकाला है, तो वो भी उन लोग दिखाया है इधर, और V4 का भी वैल्यू निकालते हुए दिखाया, तो उतना तो आई डोंट थिंक दिखाना पड़ेगा। नहीं, उतना इज नॉट नेसेसरी। एज लॉन्ग एज आप लोग इंडिविजुअली दिखा रहे हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी अगर लिख रहे हो ना, बस इतना दिखाना इज इनफ। अलग से v⁴ करके दिखाने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। दिशा ये वाला जो (2^4) लिख रहे हो ना, इसको ऐसे मत लिखो। हाँ दिव्यांश बोलो। मैम मेरे को एक डाउट आया था इसमें एन्युटीज में, इंक्रीजिंग एन्युटीज में एक होता है IA बार जिसमें खाली A के ऊपर बार रहता है व्हेन द इंक्रीज इज डिस्क्रीट, और एक होता है IA दोनों के ऊपर बार रहता है जब इंक्रीज इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो वो दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करके उसको कैसे लिखेंगे नोटेशन में? कुछ नहीं करना है, बस अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो IA और फिर बार लिखो, और अगर सिर्फ वो हो रहा है तो ऐसे लिखो। ओके मैम। ठीक है दिशा, ये जो हम लोग ऊपर में लिखते हैं पीरियड वाला 4, 12 एक्सेट्रा 2, इसको कभी भी सुपरस्क्रिप्ट में डाल के मत लिखो, हमेशा राइट इट विथ दी ए। अब वो कैपिटल ए हो स्मॉल ए हो जो भी हो, ए के साथ में लिखो जैसे बाकी लोग ने लिखा है ना। यू राइट इट लाइक A4 4। मैम आई हैव डन इट ऑन इक्वेशन एडिटर, तो उसमें अच्छा आ जाता है। हो सकता है कि अपने आप मतलब ऐसे ही दिख रहा होगा, दैट इज फाइन। अगर इक्वेशन एडिटर पे करो तब ठीक है, बट लिखते टाइम ऐसे मत लिखना। इफ एनी ऑफ यू आर यूजिंग कीबोर्ड नोटेशन देन डोंट यूज दिस मेथड। इक्वेशन एडिटर पे वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, लेकिन कीबोर्ड नोटेशन में मत करना। इक्वेशन एडिटर के लिए इट्स फाइन। वो फुल आया नहीं मैम, पता नहीं कट गया कॉपी पेस्ट करने में। कोई बात नहीं, यहाँ तक सब एकदम ठीक है। ये वाला हो गया है, ठीक है चलो सबका हो गया। किसी का मिस हुआ है क्या? प्लीज बता दो किसी का भी अगर मिस हुआ है तो। मेरा मिस हो गया। एक बार अपना नाम बोलो। कुणाल। कुणाल का ये वाला क्वेश्चन 4। हाँ एक्चुअली मैंने अभी टाइप किया है बस। हाँ वो मैंने देख लिया था, स्क्रॉल करते टाइम आई ग्लांस थ्रू इट, एकदम ठीक था। दिस इज एक्चुअली इट वाज वेरी सिमिलर टू वैदिक का, मैंने देखा था वो। हाँ वही देख के समझ में आ गया कि वैदिक का देखा हुआ किया, तो इसीलिए आ गया समझ में। वही थिंक कुणाल, उसको भी मैंने बोला था। अच्छा ठीक है हाँ, लास्ट में डॉलर्स है, यहाँ पे एक्चुअली नहीं था डॉलर्स। ठीक है फाइनल में डॉलर्स है, फाइन। चलो तो हम लोग नंबर 7 देखते हैं, सॉरी 6 देखते हैं। An investment bank borrows $39.5 million at an effective rate of interest of 8% per annum. The bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of $5 million per annum, payable quarterly in arrears for a term of 15 years. This income is used to repay the loan. Once the loan has been repaid, the bank can earn interest on the income at an effective rate of interest of 6% per annum. Calculate the discounted payback period and calculate accumulated profit the bank will have made at the end of the term. ठीक है तो इसका मेरे को फर्स्ट पार्ट तो देखो बहुत ईजी है टाइप करना, इतना मेरे को आप लोग पे भरोसा है कि फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व। आई वांट यू ऑल टू टाइप द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से आप आंसर ले सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को अगर कुछ भी लगेगा वर्किंग इंटरमीडिएट तो वो ले लेना। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये $1 मिलियन का सम है तो ऑब्वियसली इफ़ यू ट्राई राइटिंग इट इन लाइक फुल, अगर जीरोस उतना आप डालोगे 39.5 मिलियन मतलब 6 डेसिमल प्लेसेस मूव करना, तो इतना सारा जीरोस ऑब्वियसली आप अपने वर्किंग में यूज़ नहीं करोगे कभी भी, कभी भी सोचना भी मत करने का। यू ऑल विल यूज़ 39.55 मतलब यू विल बी बेसिकली वर्किंग इन मिलियंस। तो ईदर यू वर्क इन मिलियंस और यू वर्क इन थाउजेंड्स, ये 2 ऑप्शंस होता है। इसके अलावा मतलब आप देख लो, अगर आपको लगता है 1000 में वर्क करने से ऑब्वियसली वाई इज इट ईजियर, क्योंकि फिर आप और एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हो। जितना भी यूनिट्स यू इंक्रीज उतना ज़्यादा एक्यूरेसी कम्स इन योर आंसर, बट यू डू नॉट वांट इतना एक्यूरेसी। 1000s इज ऑल्सो फाइन, इफ यू वांट मिलियंस में ऑल्सो यू कैन वर्क, बट यही है इफ यू आर वर्किंग इन मिलियंस देन यू हैव टू यूज अ गुड 6-7 डेसिमल प्लेसेस बिकॉज क्या है 6 डेसिमल प्लेसेस होता है सिर्फ मिलियन कवर करने के लिए, एंड उसके बाद मिलियन के बाद भी और 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं कोई भी मॉनेटरी अमाउंट में, तो इसीलिए मिनिमम 8 डेसिमल प्लेसेस आपको काम करना होगा, एंड इंटरमीडिएट के लिए उससे भी ज़्यादा हो सकता है कभी भी। तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन थाउजेंड्स, एंड ये चीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप मिलियंस में वर्क करो या थाउजेंड्स में वर्क करो। Starting of the sum only, you have to mention that working in millions or working in thousands. This is for every sum. Profit testing में भी अगर जैसे आप columns में जो values डाल रहे हो, your actual values हो सकता है millions में thousands में हो, लेकिन you are just writing 3-4 digits in each cell. तो उस time भी आपको column के heading में लिखना होगा bracket में in 000, तो इससे समझ में आता है $000 मतलब in thousands, ठीक है। तो ऐसे इन लोग जैसे लिखे ऐसे करके मेक श्योर यू राइट इट ऑलवेज। तो अब एक बार 6 पार्ट 2 टाइप करके दिखाओ मेरे को सब लोग। पार्ट 1 इज वेरी इजी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एनवीटी है खाली एक तो, वो आप लोग बहुत प्रैक्टिस करके दिखा दियो मेरे को। $11.16 और है, 6 मार्क्स का सम है। I will give you all time till 11:25, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इतना टाइप करने में। किसी का भी हुआ अभी तक? चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहला बात, श्रेयस जो एस है वो स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं होता है ना, इट्स ऑलवेज स्मॉल एस। तो आप सब जगह कैपिटल एस यूज कियो, तो मेक श्योर कि आप स्मॉल एस यूज करो। दूसरा चीज क्या है, हमेशा जब हम लोग ऊपर में एन लिखते हैं, जो ऊपर वाला पीरियड होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, इट इज ऑलवेज सपोज टू बी बिफोर द कोलोन, क्योंकि आप अगर कोलोन के बाद दे रहे हो देन इट डिनोट्स एक्स वाई एन। कोलोन के बाद हमेशा एक्स वाई एन वाला कॉम्पोनेंट्स आते हैं। जो सुपरस्क्रिप्ट वाला कॉम्पोनेंट होता है जैसे S4 है, इट इज ऑलवेज सपोज टू कम बिफोर द कोलोन। तो हाउ विल यू राइट दिस, यू हैव टू राइट S4 फिर कोलोन देख के यू राइट द पीरियड। लेट्स से 12.5 है ना यहाँ पे, @ 8%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलोन के पहले आप सब जगह कोलोन के बाद दियो। एंड ऊपर में आप देखोगे हम लोग एनविटी वाला भी जो चेक किया, एनविटी में भी हमेशा एवरीवन हैज गिवन इट बिफोर द कोलोन। ओके, तो ये चीज याद रखना। एंड सेकेंडली इट इज अ स्मॉल एस, एस वी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है CM1 के पेपर में, तो ये सब का आपको स्मॉल और कैपिटल ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके ये दो चीज है। एंड सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा ब्लंडर जो है, इट इज यू आर नॉट वर्किंग इन मिलियंस, यू हैव डन द एंटायर सम इन थाउजेंड्स। आप कितना जीरोज ऐड किए, 14, 138 में आप 3 जीरो ऐड किए, मतलब आप इतना देर से 3 जीरो को बाद दे रहे थे, राइट तो वो क्या हुआ, वर्किंग इन थाउजेंड्स। वर्किंग इन मिलियंस होता है जब आप 6 जीरोज को हटा देते हो, 6 जीरोज को हटा के जब आप काम करते हो देन इट इज मिलियन, 3 जीरोस को हटाने से इट इज थाउजेंड्स। ओके ओके मैम, और ये चीज हमेशा सम के स्टार्टिंग में लिखना, सम के एंड में जाके एग्जामिनर को मत सरप्राइज देना कि आप थाउजेंड में काम कर रहे थे कि मिलियंस में काम कर रहे थे। स्टार्टिंग से यू हैव टू, कभी भी आप अगर करोगे, इफ सपोज यू आर डिस्कसिंग इट विद अ कस्टमर, तो आप कस्टमर को पहले 2 डिजिट्स में सारा वैल्यूज दे दोगे तो उसको लगेगा इतना सस्ता है, फिर आप लास्ट में जाके बोलोगे आई वाज टॉकिंग इन हंड्रेड्स, तो ये तो बहुत ऑफ चीज हो गया ना। स्टार्टिंग में आपको बोलना आएगा टॉकिंग इन हंड्रेड्स, ऐसे 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 होगा, करेक्ट। तो ये चीज याद रखना। दिशा दिशा ठीक है, वेरी गुड। प्रॉफिट एट एंड ऑफ 15 years, S12 ठीक है, आप तो इक्वेशन एडिटर में करते हो, फाइन। also. ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल आंसर दे रहे हो ना, अब भले ही सम के स्टार्टिंग में लिखे हो वर्किंग इन थाउजेंड्स, बट जो फाइनल आंसर है, एकदम फाइनल आंसर शुड ऑलवेज बी इन द एग्जैक्ट अमाउंट. तो अब यहाँ पे आप थाउजेंड्स में काम करो, यू जस्ट ऐड द थ्री जीरोस फाइनल एक लाइन देके. सो द प्रॉफिट इज $141,380,000. या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो if you do not want to write so many decimal places you can write it as 3 zeros आप हटा चुके हो, 3 zeros और हटा दो तो 14.138 million, right? It is 14.138 millions only. Okay, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप 3 zeros add कर दो, जैसे श्रेय ने किया था. फाइनल आंसर ऐसे, क्योंकि फाइनल आंसर should always be the actual amount, कि इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, रुपया कितना आएगा. ओके ओके, कोमल का देखते हैं. ठीक है, the investment bank will start earning profit after 5. कोमल, आपने कोई अलग मेथड यूज किया है ना? हाँ मैम. ठीक है, हाँ मैम, ये मेथड करेक्ट है. हाँ, मेथड देख रही हूँ, ऐसे करेक्ट है. इवन दिस मेथड इज फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली पेबैक पीरियड के बाद ही आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, जैसे इसने लिखे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. फाइनल आंसर मिलियंस में. ओके फाइन. एक चीज है, अगर आप मिलियन में लिख रहे हो ना, तो यू गिव 3-4 डेसिमल प्लेसेस, 14 पॉइंट और 3-4 डेसिमल प्लेसेस दे दो, क्योंकि मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए टू गेट एन एक्यूरेट आंसर आपको 6 डेसिमल प्लेसेस मूव करना होगा ना. तो इसीलिए अगर आप मिलियन डॉलर्स में लिख रहे हो देन यू कैन गिव 3-4 डेसिमल प्लेसेस. अगर आप डायरेक्टली सिर्फ डॉलर्स में लिख रहे हो देन ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस. वर्किंग इन $1,000 लिखना होगा. Profit at the end of 15 years. Again, एकदम ठीक है, बस लास्ट जो फाइनल आंसर है उसको या तो मिलियन डॉलर्स में लिखो या सिर्फ डॉलर्स में लिखो. ये पढ़ के लग रहा है कि मेरे को सिर्फ $14,137 का प्रॉफिट होगा, लेकिन और 3 zeros ऐड होगा अभी मेरे प्रॉफिट में, करेक्ट? तो इसलिए फाइनल आंसर में वो आपको शो करना होगा. यहाँ पे कोलोन आएगा, एन के पहले में कोलोन आएगा. जैसे यू आर मूविंग टू द सब्सक्रिप्ट यू हैव टू पुट अ कोलोन. ओके महिमा. हाँ मैम. सेम थिंग, एस कैपिटल हो रहा है उसको अवॉइड करो, स्मॉल कर दो जैसे आपको लग रहा है. थोड़ा थोड़ा चीज़ ध्यान रखना होगा. आई नो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप न्यू लाइन स्टार्ट कर रहे हो, बट जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल. अब आपको पता है ये एरर होता रहता है, तो बी अ लिटिल केयरफुल ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम से. ओके मैम. आपका आंसर में कुछ गड़बड़ है. हाँ मैम, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा क्या गड़बड़ है. मतलब वर्किंग में कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आंसर आपका एक फुल यूनिट कम है. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जो अभी तक कर रहा है सम को, या और कोई डाउट है किसी को नंबर 6 में? नहीं, सबसे हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? जिसका जिसका मैंने छोटा छोटा गलती बताया वो सब चीज ध्यान रखना। बस आज हम लोग नंबर 7 करेंगे, 8, 9 आप लोग का होमवर्क, और बस नेक्स्ट क्लास हम लोग नंबर 10, क्योंकि वो फुल 24 मार्क्स का सम है, तो इसीलिए आई वॉन्ट अस टू डू इट टुगेदर। 10 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 8, 9 आप लोग होमवर्क में करोगे, 7 हम लोग अभी देखते हैं जल्दी से। A life insurance company sells a policy with a 20-year term that provides a benefit of $100,000 payable immediately on death or on earlier diagnosis of a critical illness. No further benefit is paid in the event of death after a critical illness claim has been paid. Premiums of P are paid annually in advance throughout the term or until a claim if earlier. Company prices the policy using the following multiple state model using forces of transition. सारा forces दिया हुआ है, बेसिस म्यू एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट रेट इज 3% पर एनम इफेक्टिव। डिटरमाइन विद द रीजन द वैल्यूज फॉर रो एक्स एंड वीगा एक्स। ये एक्चुअल में वीगा है, इट इज नॉट वी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वेगा और वी में डिफरेंस होता है, वेगा इज ग्रीक वी। दैट शुड बी यूज्ड इन द प्राइसिंग मॉडल फॉर दिस पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो 1 मार्क आंसर है, इसीलिए आप लोग को मतलब फुल दिखाना नहीं है, बस रीजन बोलना है कि रो एक्स और वीगा एक्स। 0 होगा, ऑब्वियसली सबको पता था, क्योंकि जो स्टेट है वो हो ही नहीं सकता ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हो गया कि ये पार्ट 1 वेरी इजी, बस आपको 1 लाइन में लिखना है कि दोनों 0 होगा और रीजन देना है कि क्योंकि ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज क्रिटिकल इलनेस के बाद हम लोग को डेथ क्लेम मिल ही नहीं सकता, इसीलिए इट इज 0। पार्ट 2 देखते हैं, अगेन इट इज अ 1 लाइन आंसर। आप देख रहे हो कौन बोल रहा है स्टार्टिंग में कि एकदम लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ऐसे करके दे विल जस्ट ब्रेक इट अप इनटू पार्ट्स, और आपको 3 मार्क्स ऐसे ही फ्री का, खाली बस 4 ठो वैल्यू 5 ठो वैल्यू लिखने के लिए दे विल गिव यू 3 मार्क्स। तो आपको उसको टाइप ही नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे भी 4 वैल्यूज आप लोग बस सॉल्व करके अपना लिख सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको आप लोग अराइव करोगे पहले, एंड देन यू हैव टू बेसिकली मैच वैल्यूज, इंटीग्रल के बाहर कितना है, अंदर कितना है, लिमिट्स क्या है, ये सब ही है। बस देख लेते हैं ऐसे सेपरेट लाइन में। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे एक आंसर में सेम लाइन में ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ था, वैसे कभी मत लिखना, ऑलवेज राइट इट इन सेपरेट लाइंस। ओके, पार्ट 3 कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू पार्ट 2। तो बेसिकली क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रल सॉल्व करना है इसमें, राइट? तो एक बार इंटीग्रल सॉल्विंग आई वांट यू ऑल टू डू। यहाँ पे अगेन समेशन है, खाली वैल्यूज लिखना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट एनुअल प्रीमियम पॉलिसी फॉर दिस पॉलिसी बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू पार्ट 3 एंड 4। इसमें भी कुछ नहीं है। एक बार आई जस्ट वांट यू ऑल टू शो कि आप लोग इंटीग्रल एंड सॉल्व इंटीग्रल हम लोग लास्ट क्लास किए थे, बट एक बार वापस से करना है। इंटीग्रल एंड सॉल्व इंटीग्रल मेरे को टाइप करके दिखाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 38 हो रहा है, 42 पे वी विल चेक। मैम कौन सा क्वेश्चन का? बेसिकली पार्ट 3 क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, जिसमें ये इंटीग्रल को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो यू हैव टू शो मी, इवन द क्वेश्चन में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द इंटीग्रल अगेन, लेकिन आप लोग इस इंटीग्रल को विथ वैल्यूज ऑफ ABCD सबका वैल्यूज इंसर्ट करके इंटीग्रल लिखो, उसको सॉल्व करके दिखाओ और सॉल्व्ड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज दिखाओ। मैम आप एक पीडीएफ भेज सकते हो क्या ग्रुप में? ग्रुप में मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर जो भी है ग्रुप में प्लीज एक बार भेज दो। यहाँ पे आई डोंट थिंक हम लोग को चैट सेक्शन गूगल मीट पे वी कैन नॉट अटैच ना, कोई भी एक बार भेज दो ना प्लीज, फोटो खींच के भेज दो भले इस सम का। एंड जिन लोग के पास नहीं है पीडीएफ, आई विल जस्ट गिव यू ऑल लिंक। इसमें से आप लोग सारा पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये सितंबर 2020 का पेपर है। चलो, और किसी का नहीं हुआ है? आदेश इंटीग्रेशन, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, आई एंड टी तीनों कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है? इट्स ऑलवेज ऑल थ्री कैपिटल फॉर इंटीग्रेशन। ओके मैम। ये डी एक्स्ट्रा टाइप हो गया क्या ब्रैकेट की जगह? इंटीग्रेशन 0 to 20 0.048 minus 11.03। ये आप डायरेक्टली इनटू 1.03 भी लिख सकते थे, मतलब ठीक है, ये दिस इज फाइन। एक्सपोनेंशियल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा लास्ट क्लास भी बोला था सॉल्व्ड इंटीग्रल इज ऑलवेज इन बॉक्स ब्रैकेट्स। तो आप लोग एमएस वर्ड पे भी हमेशा जब भी करोगे सॉल्व्ड इंटीग्रल, मेक श्योर यू आर राइटिंग इट इन बॉक्स ब्रैकेट्स। तो कैसे लिखेंगे इसको? This is your solved integral. It should be in box brackets, and then you give a colon to give the limits. 0 to 20 है ना limits? हाँ, तो हमेशा ये बॉक्स ब्रैकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। Make sure you use box brackets only for solved integral. Again 2 decimal places ये amount है, monetary amount है, so rounded to 2 decimal places. Komal, try to use normal brackets only, क्योंकि box brackets we preserve it for using एकदम last में, खाली solved integral में। आपने solved integral लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दिए। मत करना ऐसे, सॉल्व्ड इंटीग्रल का स्टेप दिखाना, ठीक है? हमेशा सॉल्व्ड इंटीग्रल का स्टेप दिखाना, फिर सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, बाकी सब ये माइनस, अगर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव फिगर लिख रहे हो तो पुट दैट इनसाइड ब्रैकेट्स, क्योंकि ये देखो डिवीजन एंड माइनस साथ में बहुत अजीब लगता है, इसलिए अगर कोई माइनस फिगर है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो। निवांश, ये फुल थिंग शुड कम इन अ ब्रैकेट टू शो कि आपका जो इंटीग्रल है, इट इज द एंटायर थिंग। ओके, तो हमेशा जो एफएक्स है उसको ब्रैकेट में डालो। ये तो आप उल्टा ही कर दिए, बॉक्स ब्रैकेट में सॉल्व्ड इंटीग्रल होगा एंड नॉर्मल ब्रैकेट में लिमिट्स होगा, ठीक है? हमेशा ये बॉक्स ब्रैकेट होगा और ये नॉर्मल ब्रैकेट होगा, बाकी इज फाइन। आप भी बॉक्स ब्रैकेट में डालना, ठीक, ये वाला ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन बॉक्स ब्रैकेट में आएगा, ये वाला जो दिस इज योर सॉल्व्ड इंटीग्रल, क्या हो रहा है? दिस इज योर सॉल्व्ड इंटीग्रल, इट शुड कम इन बॉक्स ब्रैकेट्स एंड नॉट नॉर्मल ब्रैकेट्स एवर। सेम फॉर द नेक्स्ट लाइन, बाकी ठीक है। और किसी ने किया है अभी तक या कोई कर रहा है? ठीक है शेम। मैम जैसे जो सॉल्व्ड इंटीग्रल्स रहेगा उसको हम लोग बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन जो लिमिट्स होगा उसको नॉर्मल ब्रैकेट में ही लिखेंगे हमेशा। हमेशा नॉर्मल ब्रैकेट, लिमिट्स हमेशा नॉर्मल ब्रैकेट में। ऐसे होगा, देख लो, सब लोग एक बार देख लो, सॉल्व्ड इंटीग्रल हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है? जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको बॉक्स ब्रैकेट में कोलन देके नॉर्मल ब्रैकेट में लिमिट्स। और किसी को कोई भी क्वेश्चन? मैम अगर INT स्मॉल में लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वाई टेक द चांस, कैपिटल आई एन टी हमेशा यूज करते हैं तो कैपिटल आई एन टी ही प्रैक्टिस करके रखो. अब बाय चांस तो कुछ भी हो सकता है एंड आई डोंट थिंक दे विल पीनलाइज यू फॉर समथिंग दिस स्मॉल, लेकिन फिर भी क्यों चांस लेना है. वी हैव टू बी एज परफेक्ट एज वी कैन बी, वरना तो टाइपिंग का क्लास लेके भी क्या मतलब है, जैसे तैसे लिख दो बस, देखा जाएगा, है ना. ये सब छोटा छोटा चीज के लिए तो हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं. और बोलो, हाँ कुणाल बोलो. बट जो हैंडबुक में था ना वो नोटेशन वाला, उसमें तो स्मॉल भी दिया हुआ आईएनटी करके दिया है. हाँ छोटा स्मॉल वाला दिया हुआ है. अच्छा नहीं, लेकिन फिर सब तीनों स्मॉल रखना होगा क्योंकि वो जो आई है ना फिर वो एल बन जा रहा है. आप देखोगे अगर कैपिटल आई एन टी कर रहे हो तो वो फिर वो वैसे बन जा रहा है. जिसमें दे हैव यूज्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक्निक कि उन लोग ब्रैकेट्स भी चेंज कर दिए, कोलोन पे यूज नहीं किए. तो इसीलिए स्टिक टू दिस बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम एंड ये सबसे रीजनेबल लग रहा है. जैसे तो मैंने बोला कि अगर आप स्मॉल भी लिखोगे तो दे विल नॉट पीनलाइज यू फॉर इट क्योंकि उन लोगों को समझ आ रहा है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो. बट वी जस्ट ट्राई टू बी एज परफेक्ट एज वी कैन, और कोई बात नहीं है. अब हो सकता है एग्जाम में नहीं भी याद रहे कि कैपिटल आई एन टी करना है तो कर ही आओगे ना स्मॉल आई एन टी, बट ठीक है, इट्स फाइन. और बोलो, बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है? नो क्वेश्चंस, क्वेरीज? तो आप लोग वो दोनों क्वेश्चंस क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 ये दोनों आप लोग घर पे करना. क्वेश्चन 8 में टेबल है तो टेबल इंसर्ट करना आप लोग, प्रैक्टिस करना. बाय चांस नहीं हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. 8-9 घर पे करके आना, वी विल डिस्कस इट एंड देन हम लोग फाइनली 10 करेंगे. ओके हाँ आदेश मैम, ये टेबल हम एक्सेल से भी तो कर सकते हैं ना? हाँ एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ओके जिसको करना है एक्सेल से कॉपी पेस्ट वो करना एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि कौन कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है उस टेबल को. क्योंकि एक्सेल में जब आप करोगे देन यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट द फॉर्मूलाज और योर वर्किंग्स ना, बट आपको वर्किंग दिखाना होगा टेबल का भी. तो यूजुअली व्हाट वी डू इज, अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम लोग फिर टेबल के नीचे में दिखा देते कोई भी एक, हर कॉलम का या हर रो का एक सेल का वर्किंग वी शो एज एन एग्जाम्पल कि हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ऐसे करके यू हैव टू एक्सप्लेन. एक बार आप लोग खुद से देखना, ट्राई करना कि आप लोग खुद अपने आप को एग्जामिनर के कुर्सी पे बैठा के देखना कि अगर आप एग्जामिनर होते तो विल यू कैच दिस पर्सन फॉर कल्यूशन, विल यू थिंक दैट दिस पर्सन हैज चीटेड, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सप्लेन करना. फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. और कुछ? ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू.